आज की वीडियो डीटीएच पावर सप्लाई के बारे में है। ये जो डीटीएच पावर सप्लाई है, हम आज डीटीएच पावर सप्लाई को किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है डीटीएच सेटअप बॉक्स में, उसको डिलीवरी डिस्क का सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल किस किया जाता है, आपको उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ से हमारा जो मेन सप्लाई देने का दो है, और यहाँ से जो हमारा मदरबोर्ड को का कनेक्टर है, अभी उसको हम इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाऊँगा। DTH है, उसमें हम उसको इस तरह से इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल कर दिया हूँ, अभी यहाँ से हम मेन सप्लाई दोनों दे दूँगा। ये जो DTH के पावर के वो हमने जो डी डी फ्री डिक्स का जो पावर सप्लाई है उसको इंस्टॉलेशन कर दिया हूँ। उसके बाद जो उसका जो एसी मेन लीड का केबल है उसको भी हम सोल्ड कर लिया हूँ। हमारा जो उसका कंप्लीट हो चुका है, अभी उसको जो डी डी फ्री डिक्स का जो सो उसका जो पावर सप्लाई SMPS को हम अभी इसको वोल्टेज टेस्ट करूँगा ठीक है या नहीं। उसके बाद उसको मदरबोर्ड में उसको सॉकेट को लगाऊंगा। पहले आप वोल्टेज को टेस्ट कर लेना, उसके बाद आप सॉकेट को लगा दे। अभी उसको पहले टेस्ट कराता हूँ, उसमें 5 वोल्ट आ रहा है ठीक है, उसके बाद 20 वोल्ट आ रहा है ठीक है, उसके बाद 5 वोल्ट आ रहा है ठीक है, उसमें भी ठीक है। अब एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ, 15 वोल्ट ठीक है, उसके बाद 20 वोल्ट, उसके बाद 5 वोल्ट ठीक है। हमारे जैसे पावर सप्लाई उसको सकट का भी मदरबोर्ड पे लगा लेता हूँ, और उसका पावर आया या नहीं इसको देखता हूँ। देखो हमारा पावर आ चुका है, पावर को ऑन ऑफ करके देखता हूँ। हमारा जो डी डी फ्री डी का सेटअप बॉक्स का उसका जो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था, अब भी इस तरफ आसानी से आपका जो SMPS पावर सप्लाई ख़राब हो जाए आपको, तो इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से 50 से 60 रुपया से उसको खरीद कर आप घर में आसानी से लगा सकते हैं। अब भी इस तरह हम जैसे किया हूँ, आप भी इस तरह से लगा सकते हैं।